निडर जवान हो, हिम्मत करो। डॉक्टरों को तो अपने काम का पता ही नहीं, ये तो मरीज के दिल की मजबूती होती है जो उसे खड़ा कर देती है। सब जानते हैं कि बेकार पड़ा हुआ लोहा संग खा जाता है। अल्लाह आपसे राजी हो, आप मेरे लिए माँ और बाप दोनों हैं। आपने मुझे हमेशा अपना बेटा समझा, मैं आपका यह कर्ज नहीं उतार सकता। खुदा की कसम वो तुम्हें मुझसे ज्यादा चाहता है। सईद, तुम यहां कैसे आए? क्या तुम बटालियन से बचकर आ गए? इंतजार करें बाबा, जिस बटालियन में सरदार सुलेमान हो उस बटालियन को छोड़ने वाला मर्द पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर ठीक है, उस्मानी बटालियन कल रवाना होंगे, आप लोगों से मिलने के लिए 2 घंटे की इजाजत मिली है। उम्मीद है जख्म पहले से बेहतर है। बदकिस्मती से तुम कहां जा रहे हो? इराक, अंग्रेजों की पेशकदमी रोकने के लिए। बटालियन का माहौल कैसा है? दोस्तियां, मशकें वगैरह? अब रुक जाओ, मजीद बातें खाने पर करेंगे। आपका खाना मुझे सबसे ज्यादा याद आता था। और मुझे तुम्हारी शरारतें बहुत याद आएंगी। अगला महाज मुश्किल है, ख्याल रखना। बाबा, आपको बहुत याद किया। मैंने, मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे दुआएं दें। मेरी दुआएं साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। चलो बैठ जाओ। जब मैंने सईद से उस्मानी बटालियन की महारतें सीखी तो मैंने अपनी तैयारी और बढ़ा दी। मेरे भाई सईद का शुक्रिया कि मैं जानता हूं कि वो कब और कहां से अपने सफर का आगाज करेंगे। यकीनन मैं भी उस्मानी बटालियन का एक रुकन बनूंगा। ऐ मेरे खुदा, तुम्ही ने इस सरजमीन को मेरा वतन बनाया, तुम्ही ने मेरे अंदर इसकी मोहब्बत डाली, मैं तुम्हारी तरफ लौटूंगा।